सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड भाई मैं हूं आपका दोस्त रिव्यू ब्रो। एंड भाई आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग सीरीज ऑफ 2023 कि 2023 के स्टार्टिंग ऑफ मंथ में आप लोगों को कौन से धमाकेदार सीरीज देखने को मिलने वाली है। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करें कि पहला सीरीज आप लोगों को कौन सा देखने को मिलने वाला है, उसका नाम है काइलेडोस्कोप जो कि 1 जनवरी को रिलीज कर दिया गया था। एंड भाई इस सीरीज में आप लोगों को हाइस्ट वाली कहानी देखने को मिल जाएगी। सो इस सीरीज का एक इंटरेस्टिंग प्लस पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो देखो यार, नेटफ्लिक्स का ये कहना है कि इस सीरीज को आप किसी भी एपिसोड नंबर से देखना स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि आप इसे 1-8 तक भी देख सकते हो या फिर 8-1 तक भी देख सकते हो। हालांकि मेरी मानो तो आप इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही देखना स्टार्ट कर दो, बट आपको लाइन वाइज खाली 1-6 एपिसोड तक ही देखना है, जिसके बाद डायरेक्टली आप एपिसोड नंबर 8 देखना, फिर उसके बाद आप सीधा एपिसोड नंबर 7 देखना। हालांकि मैंने ऐसा क्यों कहा ये आपको इस सीरीज को देखने पर समझ आ जाएगा। सो जो दूसरी सीरीज आप लोगों को देखने को मिलने वाली है उसका नाम है वुमेन ऑफ द डेड। एंड भाई इस शो की कैटेगरी क्राइम थ्रिलर पर बेस्ड होने वाली है। सो भाई इसके ट्रेलर को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है ये सीरीज काफी ज्यादा अमेजिंग एंड मस्त होने वाली है। सो आप इस सीरीज को भी जरूर से अपना टाइम दे सकते हो। भाई ये सीरीज आप लोगों को देखने को मिलने वाली है 5 जनवरी को और ये हिंदी में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। सो जो अगला कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, हालांकि वो एक सीरीज नहीं है, वो एक मूवी है जिसका नाम है द प्ले ऑफ ब्लू आई। एंड भाई इस मूवी की कैटेगरी आप लोगों को मर्डर मिस्ट्री देखने को मिलने वाली है। सो अगर आप लोगों को मर्डर मिस्ट्री जैसी मूवीज पसंद है देन आप इस मूवी को अपने कंसिडरेशन में रख सकते हो। एंड भाई ये मूवी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी 6 जनवरी को और ये मूवी आप लोगों को हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। सो बात करें अभी अगले कंटेंट के बारे में तो वो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है वाइकिंग वेलहला का सीजन 2। सो देखो यार, इसका सीजन 1 काफी ज्यादा हिट एंड पॉपुलर हुआ था, जिस वजह से आप लोगों को इसका सीजन 2 भी देखने को मिल रहा है। एंड भाई ये सीरीज आप लोगों को देखने को मिलने वाली है 12 जनवरी को। सो बढ़ते अगले सीरीज की तरफ तो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है लॉकवुड एंड को। एंड भाई बात करें इस सीरीज की कैटेगरी के बारे में तो वो आप लोगों को हॉरर फिक्शन या कह लो डिटेक्टिव फिक्शन टाइप की देखने को मिल जाएगी। एंड भाई ये सीरीज आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। एंड भाई ये सीरीज 27 जनवरी को रिलीज कर दी जाएगी। सो भाई ये थे वो 5 कंटेंट जो आप लोगों को इस साल के जनवरी मंथ में देखने को मिलने वाली है। एंड भाई सच कहूं तो ये 5 कंटेंट मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे तो मैंने वो आप लोगों तक शेयर कर दिया। सो बस यार आज के लिए इतना ही। वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो एक लाइक ठोक देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ठोक देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए Till then stay blessed. Bye bye. Shabak hair.